अपने अफसरों को खुश करने के लिए दिव्यांगों का और बुजुर्गों का किस तरीके से मजाक बनाया जाता है, किस तरीके से उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, इसकी बानगी कल अलीराजपुर जिले के जोबट में देखने को मिली, जब इटारा गांव के एक दिव्यांग बुजुर्ग दंपति को गांव का सचिव दूसरा बहाना बनाकर टारगेट पूरा करने के लिए जोबट ले तो आया, लेकिन कार्यक्रम होने के बाद उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि स्थानीय स्तर पर छोटे कर्मचारी अपने अफसरों को खुश करने के लिए, उनके कार्यक्रमों में संख्या बढ़ाने के लिए किस तरीके की कवायद करते हैं। ये दोनों बुजुर्ग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलीराजपुर ज़िले के उदयगढ़ जनपद के इटारा गांव के हैं और इनका नाम है गमलिया भाई और पुमली भाई। ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों दिव्यांग हैं, दोनों बैसाखी पर चलते हैं। सुबह इनके पास ग्राम पंचायत का सचिव पहुंचता है और कहता है कि आपको जोबट चलना है, वहां आपका स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा और आपको पैसे भी दिए जाएंगे और आपके फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। उसके बाद उनको अपने साधन से सचिव लेकर जोबट पहुंचता है। यहां पर जो दिव्यांग शिविर लगा था वहां पर अधिकारी आते हैं, भाषण होता है, स्वास्थ्य परीक्षण होता है और जैसे ही अधिकारी रवाना होते हैं सचिव महोदय भी गायब हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है इस बुजुर्ग और दिव्यांग दंपति की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का दौर। दोनों भटकते रहते हैं, रात करीबन 7:30 से 8 बज जाती है, भूखे प्यासे दोनों भटकते हैं, सचिव की तलाश करते हैं, सचिव महोदय का फ़ोन बंद था, इनके पास फ़ोन नंबर नहीं था। ऐसे में कुछ लोगों की नज़र इन पर पड़ती है, इनकी परेशानी को देखते हैं, समझते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं और उसके बाद अपने साधन से, तस्वीरें देखिए आपकी बसों से रवाना भी करते हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी लापरवाही है, सुनिए ये दोनों क्या कह रहे हैं, पहले इनका बयान सुन लीजिए। पैसे मिल से थे फार्म में भरा होने का चालू जो बट कर लाई मनते रही तो काय वस्ते लागलांग छे काय मुझे भागड़ा लू लाते पैसे जोड़ से तो का दे फार्म भराई दम में कोई ने लाई ने मैं दिन जाती रही ने अभी छोड़ने के लिए तुम्हारी व्यवस्था कहीं नहीं करी कोई नहीं करी बोले चली गया। खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं खाता। कौन से गांव के तू? छोटी छोटी टारे। जनपद कौन सी अपनी लगती? कई नाम तारो? मेरा नाम रुमली। पति नाम? गमित। ये भाई तेरी क्या लगती? मेरे घर वाले। घर वाले तो तुमको यहाँ लेके आया तो वापस छोड़ने के लिए तुम्हारे कोई व्यवस्था नहीं करी? नहीं कोई कोई नहीं करी ऐसा तो खाना खाया? छोड़ के चले गया ना और खाना भी नहीं खाया था। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं ये बुजुर्ग और दिव्यांग दंपति कि क्या बोल के सचिव लाया था और क्या हालत में छोड़ के चला गया। सवाल ये है कि जो अफसर अपनी कार्यक्रम में भीड़ देखने के से खुश हो गए, इस शिविर के बाद क्या उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की कि जो बुजुर्ग और दिव्यांग लाए गए हैं उनकी स्थिति क्या है, वो सही सलामत घर पहुंचे कि नहीं, उनको खाना पिला मिला कि नहीं। ये तो गनीमत थी कि कुछ ऐसे लोगों की नज़र इन पर पड़ गई जो मानवता रखते थे और उन्होंने इनको खाना खिलाकर इस बस में बैठ के रवाना कर दिया। लेकिन अगर इनकी नज़र नहीं पड़ती तो ये दिव्यांग दंपति का क्या होता, कहाँ जाते, क्या खाते, कहाँ सोते, ये बड़ा सवाल है। देखिए जिम्मेदार इस पर कोई भी रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। आज जोबट एवं उदयगढ़ जनपद क्षेत्र के ऐसे दिव्यांग जो चलने में या किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है उनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर लगाया गया था। आला अधिकारियों के को खुश करने के लिए निचले कर्मचारी टारगेट को पूरा करने के लिए वहां के हितग्राहियों को लेकर जोबट आए थे, लेकिन आज जो कृत्य सामने आया है वो पूरी तरह मानवता को शर्मसार करने वाला था। दो छोटा इटारा ग्राम पंचायत के पति पत्नी को वहाँ का सचिव जोबट जनपद क्षेत्र लेके आया, लेकिन उनको वापस छोड़ना उसने मुनासिब नहीं समझा। दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे अभी रात की 8 बजे तक भी यहीं जोबट में थे, उनके छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशासन ने तो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, लेकिन स्थानीय कुछ लोगों ने इन दिव्यांग दंपतियों को
भोजन करवाने के बाद उनको व्यवस्थित बस में बिठाकर उनके गांव के लिए और भेजा। अलीराजपुर लाइव के लिए आकाश उपाध्याय जोबट।